हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू नचर चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूँ क्लास 12th जो पास आउट स्टूडेंट है या फिर वो अपीयरिंग स्टूडेंट है, तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी सैलरी पे रैंक 1 की जॉब है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है, स्किप मत करना। और फ्रेंड, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, नॉर्मली आप किसी भी जॉब में जाना चाहते हो, इवन आप स्टडी भी करते हो, तो ये चाहते हो तीन चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए, वो है आपका सैलरी, आपका फ्यूचर और आपका प्रैक्टिकल। मतलब आपके पास सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए उस जॉब में, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी इस जॉब को कर सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। सो एक बहुत अच्छी जॉब का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। NDA, नाम आपने सुना ही होगा, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। मैं आपको बताऊंगा सारा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब एग्जाम होगा, किस तरीके से आप पास होंगे और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया है, या फिर आप क्लास 12th पास दें, या फिर आप क्लास 12th में अपीयरिंग हैं, मतलब आप क्लास 12th में आ चुके हैं, 11th पास आप अपने 2021 में कर ली है, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देंगे। और एक चीज आपको मैं ये बता दूं, हर साल 2 बार इसके फॉर्म निकाले जाते हैं साल में। सो अगर आप इस वीडियो को देखने में लेट हो गए हैं तो टेंशन मत लेना, दोबारा से फॉर्म निकलेंगे, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा और आपको इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करा। सो फ्रेंड, इस जॉब के लिए आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते थे 9th of June से, मतलब 9th of June से इसके फॉर्म शुरू हो गए थे भरना, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29th of June टिल 6 PM। अभी काफ़ी दिन है, आप इजीली भर सकते हो अगर आप भरना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट लगते हैं एक फॉर्म को भरने में, बहुत इजी होता है। सिंपली आपको नॉर्मल से डिटेल्स, फोटोग्राफ वगैरह, आपके सिग्नेचर, देन अपलोड करो और आपका फॉर्म भर जाता है। उसके बाद एक चीज़ और नहीं आई है इसके अंदर, कि आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कराना चाहते हो, सो वो भी आप कर सकते हो। इवन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स का मूड स्विंग हो जाता है, भाई मुझे एग्ज़ाम नहीं दे रहा, तो वो विड्रॉ कर सकता है। उसकी जो डेट है वो 6 जुलाई से 12 जुलाई, बट आपको फी रिफंड नहीं मिलेगी। फी भी नॉमिनल सी फी है इसकी, 100 रुपीज फी है आपको एग्जाम की, वो भी जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी SC ST उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फी पे नहीं करनी है, निल फी आपके लिए। और जो आपका एग्जाम होगा इसके लिए वो होगा 5 सितंबर टीचर्स डे पे। सो आपके पास काफी टाइम है प्रिपरेशन के लिए, आपके पास अभी जुलाई से बोलता हूँ, जुलाई है, अगस्त है और थोड़ा सा सितंबर है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज हो सकता है इस एग्जाम के लिए। सो लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे इस जॉब के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। आपका फी मैंने आपको बता दिया, जर्नल एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है, SC ST कैटेगरी कोई फी नहीं है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये जॉब ओनली फॉर मेल के लिए है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में। टोटल पोस्ट निकली है 400, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हुई है। आर्मी के अंदर जो आपकी आर्मी ऑफ फोर्स होती है नॉर्मल, उसके अंदर जो पोस्ट है 208, मतलब 208 है। नेवी के अंदर 42, नेवी मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स 120 और नेवल अकेडमी में 30। टोटल ओवरऑल 400 जॉब्स हैं आपके पास और आप अप्लाई कर सकते हैं, इजीली फॉर्म भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाके आप क्लिक करना और इजीली फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि सैलरी क्या होती है इस जॉब के अंदर। गाइज, इसके अंदर जो फर्स्ट सैलरी होती है आपकी वो होती है 56,000 पर मंथ, और उसके बाद इसके अंदर मिलिट्री जॉब है, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अगर आप एक आर्मी की तरफ से सेलेक्ट होते हैं तो आपको 15,000 अलाउंसेस मिलते हैं पर मंथ, और अगर आप नेवी में एज अ पायलट सेलेक्टेड होते हैं तो आपको 25,000 मिलते हैं पर मंथ। तो कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा एक IAS ऑफिसर की सैलरी को भी आपने बीट कर दिया यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जॉब है, रैंक 1 की जॉब है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, जल्दी प्रमोशन होता है, और प्रैक्टिकल तो आपको डेफिनेटली पता ही है ऐसी जॉब में क्या क्या आपको सीखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जॉब मिल जाए, एक एग्ज़ाम देने के बाद, एक इंटरव्यू देने के बाद जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए, सबसे बेस्ट जॉब है आप सभी के लिए, 12th के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसको लेके, मैं आपको बताता हूँ।
16.5 टू 19.5 ईयर्स, मतलब 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के कैंडिडेट्स इस एग्जाम को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में जितने भी बच्चे बॉर्न हुए हैं वो इस एग्जाम को भर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख लेना, पढ़ लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए हो CBSE से या फिर ICSE से, किसी भी बोर्ड से, या फिर अपेयरिंग होनी चाहिए हो आपका 12th क्लास, मतलब रनिंग में हो, तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी परसेंटेज। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल अकेडमी। इसके लिए थोड़ा सा हायर एजुकेशन मांगा गया है, आपके पास 10+2 होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, और आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ, मतलब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, जो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका मैथ्स, जनरल एबिलिटी एंड इंग्लिश। मैथ्स का आपका टोटल जो मार्किंग होगी वो होगी 300, जनरल एबिलिटी की 300 एंड इंग्लिश की 300, टोटल ये ओवरऑल हो जाता है 900। और उसके बाद आपका होगा मेन चीज, वो है आपका SSB इंटरव्यू। गाइस, बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है पूरे वर्ल्ड का, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा इंटरव्यू माना जाता है इसको। सो इसकी जो आपकी वेटेज रखी गई है वो है आपका 50%, मतलब 900 मार्क्स का ये होगा और 900 मार्क्स का आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो होगा। टोटल 1800 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50-50% वेटेज रखी गई है दोनों की, एक आपका थ्योरेटिकल मार्क्स और आपका इंटरव्यू, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ बुक का, आप जाके क्लिक करिए और डेफिनेटली इसे बाय करिए। अगर आप एक जेन्युइनली एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, जल्दी लॉब लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक है। और सिलेबस की आपसे बात करता हूँ कि किस तरीके से आपका सिलेबस आता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिलेबस भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मैथ्स का सिलेबस दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जनरल एबिलिटी का सिलेबस दिखा देता हूँ, इंग्लिश का सिलेबस आपका कॉमन होता है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। कुछ ग्रामर पोर्शन आता है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन आता है, और साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपके इस तरीके से आपके इंग्लिश के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी 2020 में, इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 355, मतलब जो आपका 900 का मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें 355 गई थी, और 2019 में 346, और 19 में दोबारा से 342 एंड 18 में 325। गाइस, हर साल 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है। अगर इस बार आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली आप भरना इस फॉर्म को, बहुत अच्छी पोस्ट है, और एक माइंड मेकअप आपका होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तभी आप इसमें जॉब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो फॉर्म फिल करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करना डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं। सो मैंने आपको एक अच्छी जॉब के बारे में बता दिया। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अभी 12th पास हुए हैं, मतलब उनका रिजल्ट भी नहीं आया, आने वाला है, और कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जिनका आ चुका है। तो दोनों के लिए ये वीडियो थी, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोज के लिए कर लेना। सारी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह आने वाली जो भी आती रहेगी सारी आपको अपडेट्स करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.